तो बच्चों चलते हैं अपने अगले कंसेप्ट वीडियो की ओर जो लॉरेंज फोर्स पर आधारित है तो बच्चों अगर किसी भी चार्ज को हम वी वेलोसिटी से किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराएं जिसकी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बी हो और चार्ज का मैग्नीट्यूड क्यू हो तो बच्चों एक बात तो पहले आप ये समझें कि चार्ज जब भी मूव करता है टाइम के साथ तो डेफिनेटली एक करंट जनरेट होती है चार्जेस के मूवमेंट को ही तो अपन करेंट बोलते हैं बच्चों तो जहाँ पे करेंट होगी वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होगा और वो मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से इंट्रैक्ट करेगा और इसी इंट्रैक्शन की वजह से आपका मूविंग चार्ज पार्टिकल फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वह कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो हमें इस इक्वेशन से पता चलता है अपनी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं एफ़ इज इक्वल टू क्यू मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर विच इज द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर यहाँ पर ध्यान दें अगर आप तो वी क्रॉस बी दे रखा है आपको मैग्नीट्यूड वाइज अगर देखें तो इसकी वैल्यू होगी क्यू इंटू वी इंटू बी इंटू साइन थीटा वेर इज थीटा इज द एंगल बिटवीन विला मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एक ध्यान देने वाली बात यह है बच्चों कि जो फोर्स एक्सपीरियंस होगा चार्ज पार्टिकल को वो फोर्स फैक्टर, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा जी हाँ बच्चों क्योंकि ये फोर्स वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का क्रॉस प्रोडक्ट है तो दिस फोर्स हैज़ टू बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी वेक्टर एज़ वेल एज दी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी यानी कि अगर हम बोलें कि एक्स वाई प्लेन में आपका चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है उसकी वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी दोनों ही अगर एक्स वाई प्लेन में हैं तो उस पर लगने वाला फोर्स जेड एक्सिस के अलॉन्ग होगा एफ रिप्रेजेंट करता है बच्चों मैग्नेटिक फोर्स को क्यू चार्ज को बी वेलोसिटी और बी मैग्नेटिक फील्ड को ये हम चर्चा कर चुके हैं किन फैक्टर्स पे ये डिपेंड करता है बच्चों फॉर्मूले से ही पता चलता है कि ये जो फोर्स है ये चार्ज की वैल्यू चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है अगर आपका चार्ज पार्टिकल स्टेशनरी होगा तो वी की वैल्यू ज़ीरो और अल्टीमेटली फोर्स की भी वैल्यू ज़ीरो होगी तीसरा फैक्टर ये है बच्चों वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का डायरेक्शन अगर ये गलती से भी ज़ीरो डिग्री या वन एटी डिग्री हुआ तो चार्ज पार्टिकल पे कोई फोर्स नहीं लगेगा यानी वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर का पैरेलल और एंटी पैरेलल होना ज़ीरो फोर्स में रिजल्ट करता है अब बच्चों इसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करना बहुत आसान है अब अगर आप देखें तो राइट हैंड कर्ल रूल से भी आप वेक्टर प्रोडक्ट कर सकते हैं डायरेक्शन निकाल सकते हैं साथ ही साथ आप राइट हैंड रूल फॉर वेक्टर प्रोडक्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जहाँ पे आप अपनी इंडेक्स फिंगर को वेक्टर प्रोडक्ट के पहले वेरिएबल के अलोंग रखें और आप उसको अपने मिडिल फिंगर के अलोंग कर्ल करें जो कि आपके मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा तो थंब अब चूंकि थंब रिप्रेजेंट करेगा मैग्नेटिक फोर्स को तो दैट फोर्स हैज़ टू बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी वेक्टर तो इस तरीके से ये ऑल थ्री फैक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर ये एक अच्छा तरीका है बच्चों बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप वेक्टर प्रोडक्ट वाला तरीका ही अपनाएं हम यहाँ पे अगर देखें कि जैसे वी और बी पैरल होते हैं फोर्स का मैग्नीट्यूड घट जाता है और घटते घटते वो ज़ीरो हो जाता है एज द एंगल बिटवीन विलासिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीजेज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एफ ऑल्सो डिक्रीजेज अब चूँकि इलेक्ट्रोस्टेट हम पढ़ चुके हैं हम आसानी से बता सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में किसी चार्ज को रखा जाए तो वो चार्ज उस इलेक्ट्रिक फील्ड द्वारा लगाए गए फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा विच इज गिवेन बाई इक्वेसन एफ वैक्टर इज इक्वल टू क्यू इन टू इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। अब अगर हम ऐसा इंतज़ाम करें ऐसा अरेंजमेंट करें बच्चों कि हम किसी चार्ज पार्टिकल को वी वेलोसिटी से मूव भी करा रहे हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड भी अप्लाई किया हुआ है हमने साथ ही साथ हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड भी अप्लाई कर रहे हैं तो होगा क्या बच्चों कि चार्ज चूँकि मूव कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड के इंट्रेक्शन के कारण उस पर मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगी साथ ही साथ इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस के कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन भी लगेगा यानी कि मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक ये दोनों ही फोर्सेस काम करेंगे सो फोर्स एफ ऑन चार्ज क्यू ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ई एंड मैग्नेटिक फील्ड बी कैन बी गिवेन एज एफ इज इक्वल टू क्यू इन टू ई वैक्टर प्लस वी क्रॉस बी वैक्टर यानी कि v क्रॉस B वेक्टर जो होगा वो E के पैरेलल होगा बच्चों इसी फोर्स को ये जो नेट फोर्स लगता है आपके पार्टिकल के ऊपर इसी को अपन लॉरेंज फोर्स कहते हैं